गाइस वेलकम बैक टू अगेन। इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं जगन्नाथ गुप्ता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड हॉस्पिटल कैंपस के बारे में। थोड़ी सी इसकी रिव्यू, थोड़ा सा कॉलेज का इन्फॉर्मेशन, थोड़ा सा फीस, थोड़ा सा क्या कटअप जा सकता है, इसकी पूरी जानकारी हम इस वीडियो में समझेंगे। तो जो भी ये 2022 में एडमिशन देख रहे हैं MBBS कोर्सेज के लिए, तो सबसे पहले की बता दूं कि आपका ये कॉलेज जो है आपका वेस्ट बंगाल यानी कि कोलकाता के लोकेशन में है। कॉलेज लोकेशन की बात करूं तो इसका लोकेशन आपका बजबज में है। लोकेशन जगन्नाथ ग्रुप का कैंपस है। इसके बहुत सारे कैंपस और भी वेस्ट बंगाल में मौजूद है। अगर इसकी बात करूं कैंपस का स्टार्टिंग का, तो कैंपस आपका 2016 में स्टार्ट हुआ है। जगन्नाथ इंस्टीट्यूट आपका जगन्नाथ गुप्ता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल कॉलेज। वही अगर बात करें इसका ओवरऑल टोटल MBBS में जो इंटेक है इसका, तो 150 का इंटेक है, जिसका अफिलिएशन आपका कह सकते हैं वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की डिग्री चलता है। साथ साथ आपका इसको मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया MCI से भी अप्रूव जो सीट है 150 का इंटेक है MBBS कोर्स के लिए। इस कॉलेज के पास और भी कोर्सेस मौजूद है, जैसे पैरामेडिकल कोर्सेस है, BSc नर्सिंग भी मौजूद है यहाँ पर, लेकिन MBBS की बात कर ले इसमें तो यार 150 का इंटेक है और खुद का इसका हॉस्पिटल है। लगभग इसका 2016 का स्टार्टिंग कैंपस है, तो लगभग 6 साल हो गया। तो अगर वेस्ट बंगाल के लोकेशन में अगर आप मेडिकल कॉलेज देख रहे हैं तो आपके लिए ये कॉलेज काफी अच्छा हो सकता है। वही अगर फीस की जिक्र कर ले तो फी आपका जो है इसका लमसम आपका फी 15 लाख रुपए पर एनम के हिसाब से फीस से जाता है। और भी कुछ इसमें जो हिडन चार्ज वगैरह है ये भी इंक्लूडेड है। तो आप ये मान के चलो कि अगर आप इस कॉलेज का एडमिशन देख रहे हैं तो आपको 80-85 लाख का कम से कम बजट बनाकर चलना होगा। अगर आप प्राइवेट कॉलेज में देख रहे हो इसके लिए, तो जो पैकेज आपका 80-85 लाख का होगा। लास्ट ईयर 2021 में भी कुछ पैकेज भागा था। अगर वही कटअप की बात करें तो यार देखो प्राइवेट कॉलेज है, ठीक है, कटअप का कोई अता पता नहीं होता कि कोई अगर कोई भी कितना ही बड़ा क्यों ना एक्सपर्ट हो, ठीक है ना, ये नहीं बता सकता है किसी कॉलेज का क्या कटअप जा सकता है, ठीक है, कैसे क्या हो सकता है। अब यार सिंपल सी बात है, 18 लाख बच्चे एग्जाम दे रहे हैं आपका नीट का, तो हम किसी कटअप को डिसाइड नहीं कर सकते क्या कटअप जा सकता है। तो बाकी अगर ऐसा कैसे भी कुछ भी अगर कटअप के बारे में अगर मैं अप्रोक्सीमेट निकालूं, तो ऐसा कट ऑफ मान के चलो कि जिसके स्कोर क्वालिफाई मार्क्स है प्लस कुछ अच्छे मार्क्स है आपके, मतलब तो आपका इस कॉलेज के लिए एडमिशन बनता है। और आप इसकी काउंसलिंग प्रोसेस आपका नीट UG काउंसलिंग, जैसे कि आपका वेस्ट बंगाल जैसे काउंसलिंग शुरू होता है स्टेट का, आप उसे काउंसलिंग थ्रू इस कॉलेज के लिए प्रोसेस कर सकते हो। बाकी बात रहा है कुछ तो याद हो, कुछ कॉलेज होता है जिसमें मैनेजमेंट कोटा भी चलता है, तो आप इसको देख सकते हो। बाकी इसके रिगार्डिंग तुम्हारे मन में कोई भी डाउट्स हो, अगर अच्छे कॉलेज के तलाश में हो, ठीक है, इसके अलावा भी मैं और भी वीडियो आएगा। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और कुछ भी डाउट्स हो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर, और साथ ही साथ मैं एक नंबर मेंशन कर दूंगा, आप वहां से कॉन्टेक्ट करके मेरे से अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।